अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। कराची की सूरत हाल बदली या नहीं बदली, इसका जिम्मेदार कौन है? और आज इस पर बात करेंगे कि कराची में मूनसून के 5 स्पेल की अगर गिनती की जाए तो 5वें स्पेल के अंदर मूसलाधार बारिश तो खैर नहीं हुई, हल्की बारिश होती दिखाई दी जब तूफानी बारिशों का खदशा था, लेकिन मजमूई तौर पर 5 स्पेल में क्या कराची के बल्दियाती इदारे काम करते नजर आए? क्या नए जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं मुर्तजा वहाब, उनकी जो काविशें थी वो रंग लाई या नहीं, या उनको जिन मकसद के लिए मकासद के लिए लाया गया था वो मकासद पूरे होते दिखाई दिए? कराची की आवाम इस पर क्या सोचती है, क्या खुश दिखाई दे रही है, या फिर नाला नजर आती है माजी के हुक्मरानों से? अगर बात कर ली जाए मेयर कराची के 4 सालों की, तो हमने देखा कि कराची के अंदर सिर्फ शिकवे शिकायतें और रोना धोना होता रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के अंदर भी आंसू बहाए गए और ये कहा गया कि इख्तियारात नहीं है और कहीं पर फंड्स नहीं है। लेकिन मुर्तजा वहाब की अगर बात की जाए तो उन पर ये खास करम था अल्लाह ताला का कि हुकूमत पीपल्स पार्टी की एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो लगाए गए वो भी इन्हीं की मर्जी से लगाए गए, और एडमिनिस्ट्रेटर कराची जिनको लगाया गया वो खुद भी तर्जमान से हुकूमत मुशीर कानून भी हैं। तमाम चीजें मुर्तजा आपके फेवर में थी, तो अब देखना ये है कि क्या काम ले सके अपने अपनी टीम से। जो टीम लाई गई थी, देखा यह गया था कि जब मुर्तजा आपको लाया गया तो उसके बाद एक तब्दीली आई बल्दियाती इदारों के अंदर, और बल्दियाती नुमाइंदगान की जो शक्लें थी वो तब्दील की गई। डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटर जो लगाए गए वो भी ये खबरें बाजगश होती रही कि उनकी अपनी मर्जी से लगाए गए। इस पर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से रहनुमा हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं, लाला रहीम। लाला रहीम साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जानना चाहूंगा कराची के अंदर जिस मकसद के लिए मुर्तजा साहब आपको लेकर आए थे, क्या वो मकसद पूरा होता दिखाई दिया? आवाम खुश है आप लोगों से? लाला रहीम, आपको मेरी आवाज आ रही है? पहले आपको सलाम। बात यह है, जो मुर्तजा वहाब साहब जो सिंध गवर्नमेंट ने की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटर हुआ है, बात यह है कराची का जो निजाम था, जो हमारी कराची की दोस्तों ने उनका बेड़ा गर्क किया हुआ था, और जो असल लोगों को जिस काम के लिए यहाँ मुंतखब हुए थे उसने कभी असल काम किया नहीं है। लेकिन अलहम्दुलिल्लाह आपकी जो है, जैसा पहली बारिश में दूसरी बारिश में नागम की वीडियो या शरत फैसल की वीडियो हमारी है, वफाकी हुकूमत की दोस्तों ने चलाया है, जिस तरीके से कश्तियां लाई है, जिस तरीके से ड्रामे किया है, जब बाकी दोस्त को पता चलने से जब वो पहुंचे थे तो न नागम को पानी मिले न वो शरत से, तो ये कराची की आवाम को ये बता दिया। लोगों को वो दिन याद नहीं है जो शरत फैसल, याद नहीं है जो शरत फैसल पे पांच पांच एक एक हफ्ता दिन मुसलसल फैसल बंद होता था पानी की वजह से। लोगों को दिन याद नहीं होता एक बारिश के लिए एक हफ्ता कराची के लिए दिन होता था। अभी दो घंटे में कराची के लिए वो तो जो है यहाँ पर तनकीद कर रहे हैं या उठा रहे, मैं तो कहता हूँ ये तो अलम एक दो घंटे में फ्री हूँ और मैं गालिबन टेक्निकल इशू की वजह से आवाज़ प्रॉपर नहीं आई। दोबारा रब्ता करने की कोशिश की जाए टीम से, गुजारिश दोबारा पीपल्स पार्टी का मौकफ भी लेने की कोशिश करेंगे। जितनी बात जो समझ में आई वो यही कहा जा रहा है कि आवाम खुश नजर आ रही है, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर मैं बात करना जरूरी समझता हूँ। वो पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहले अगर बात की जाए छोटे बड़े नालों की, अगर बड़े नालों की बात की जाए उसमें से 3 तो NDM है, यानी कि वफाक के पास ही सफाई का जो ठेका था वफाक ने बेड़ा उठा लिया था। छोटे नालों की बात की जाए तो मुर्तजा वहाब 5वें स्पेल से एक दिन कबल ये बात कहते नजर आए कि चॉकिंग पॉइंट्स को क्लियर किया जाए, साफ किया जाए, निकासी का निजाम दुरुस्त किया जाए। तो क्या ऐसा लगता है कि पिछले 4 स्पेल जो गुजरे हैं उसमें कारकर्दगी नहीं दिखा सके मुर्तजा वहाब की टीम, और मुर्तजा वहाब उनसे शिकवा करते नजर आए क्या इस स्टेटमेंट के अंदर के चॉकिंग पॉइंट को क्लियर किया जाए? फिर दूसरी बात सामने आती है DMCs के ऊपर सारा मलबा डाला गया, KMC का इदारा बहुत ही महदूद हद तक नजर आया, इसी पर बात कर लेते। दोबारा में हमारे मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं। लाला रहीम, मैं जानना चाहूंगा, सबसे पहले यह बात भी जानना चाहूंगा कि मुर्तजा वहाब ने ये स्टेटमेंट जब दिया 5वें स्पेल से पहले कि चॉकिंग पॉइंट्स को क्लियर किया जाए, तो क्या 4 स्पेल काफी नहीं थे कि तब तक क्या छोटे नाले हैं उनके चॉकिंग पॉइंट्स क्लियर हो सकते थे? देखो मैं आपको एक बात बताऊं, सिंध गवर्नमेंट ने ये सारी नाले एक जगह तो क्लियर कर दिया,
लेकिन हमारी बदनसीबी समझो, जो भी समझो, कराची में चाहे वो फैक्ट्री वाले हैं या मुख्तलिफ हमारी होटल्स वाले लोग हैं, वो कभी अपनी कचरा जो है वो कचरा कुंडी तक नहीं पहुंचाता है, जिनकी कमी वो नाले में गिरा देता है। लेकिन उसके बावजूद सिंध गवर्नमेंट ने इमरजेंसी में अपने अपने काम किया और अपनी चीजों को क्लियर कराया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपने देखा था जिस तरीके से हमारी हुकूमती दोस्त है, जिसका मैंने नाम रखा है डेडो भाई अली नाजिम शेख साहब, और ये और दोस्त चार पैसल पे पहुंचे और नागम चौरंगी पे पहुंचे, जिस तरीके से उनने वीडियो डाले थे और जिस तरीके से इनने ड्रामे किया, और आधा घंटा बाद उसको कराची शेयर क्लियर नजर आया। तो ये मुर्तजा वहाब और सिंध गवर्नमेंट की और हमारी मुख्तलिफ जो एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए जो इंतजाम है, आज वही एडमिनिस्ट्रेटर है, आज वही लोग है जो पहले उससे कराची वीर काम नहीं ले सकते थे, आज वो सिंध गवर्नमेंट उनसे काम ले रहे, कराची को बेहतर किया और दो घंटे या एक घंटे के अंदर सारे चीजें क्लियर कराया पूरे कराची को। ये होता है। अच्छा, आपको नहीं लगता, आपको नहीं लगता क्या उस तेज रफ्तारी के साथ बारिशें हुई नहीं जो एक्सपेक्टेशंस थी? ये भी खदशात थे अगर हो जाती तो खुदा ना खासा शहर डूब जाता पिछले साल की तरह। नहीं, मुकम्मल इंतजाम के साथ था सिंध गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटर साहब और हमारी डीएमसी की एडमिनिस्ट्रेटर एमसी मुकम्मल, हमारी सॉलिड वेस्ट, हमारी केएमसी, हमारी वाटर बोर्ड, बड़ी प्लानिंग के साथ सिंध गवर्नमेंट ने काम किया था। इस प्लानिंग के अंदर केएमसी जिसको लीड करते हैं मुर्तजा साहब, आप खुद वो क्यों पीछे नजर आई? डीएमसी के अमला नजर आया, वाटर बोर्ड का भी अल्लाह अल्लाह करके अब सड़कों पर नजर आने लगा, सॉलिड वेस्ट की बात कर ली जाए वो भी नजर आए, पुलिस एहलकार भी कश्तियों के साथ बहुत से डिस्ट्रिक्ट के अंदर नजर आए, केएमसी को क्या हो गया था, क्यों मफलूज और गैर फाल नजर आया? नहीं, आपको मेरे ख्याल शायद मालूम नहीं है, हमारा सीएम साहब ने हर जिले के लिए कमेटी बनाई है, जो जिला ईस्ट को जनाब सईद गनी साहब देख रहा था और जिला वेस्ट जो जिला था उसको वकार मजी साहब देख रहा था और जिला के अमाड़ी में लियाकत अस्कानी साहब था, मनीर में साजिद झोपड़िया साहब था, इसी तरीके से मुकेश चावला था जिला कुरंगी में, जिला सेंट्रल में शला रजा साहिबा थी, तो इस तरीके से कमेटियां बनाई, तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो चीजों को ऊपर देख रहा था, जिले वाइज पे जो है हमारे मिनिस्टर और हमारे एडवाइजर साहिबान को रखा था ये सीएम साहब ने। सेंट्रल के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर सेंट्रल, वो बड़े चहीते नजर आए। हमारी टीम ने रिपोर्टिंग भी की कि वहां पर पानी भी खड़ा है, निकासी का निजाम भी दुरुस्त नहीं है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर कहीं नजर नहीं आए, लेकिन फिर भी आपके मुर्तजा वहाब के बड़े चहीते हैं वो, ये वजह क्या है? देखो, मैं आप जो बात कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट के लिए, सिंध गवर्नमेंट के लिए कराची का हर चोरी हर अफसर जो अच्छे काम करते हैं वो जो है हमारे लिए अच्छे हैं और हम अच्छे नजरों से दिखता है। देखो, अब आप कहेंगे कहीं पर पानी था, तो मेरे ख्याल जहां पर है आप निशानदेही करें और इंशाल्लाह निशानदेही के साथ इन चीजों को हम सामने रखेंगे, लेकिन हमारे सामने और हमारी नजरों से हमारी जो जिला सेंट्रल का सदर है जफर सिद्दीकी साहब, उसने ऐसे कोई कंप्लेन नहीं किया। और दूसरी नंबर पे ये तो ऑलरेडी जो है वहां शेला रजा साहिबा को सीएम साहब ने वहां पर एक मेंबर बना लिया, तो एडमिनिस्ट्रेटर में तो इसमें कोई लेने देने नहीं था। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि वफाक काफी टफ टाइम दे रही है, पहले केसीआर, फिर अब ग्रीन लाइन और फिर K4 भी इनके पास चले गया है, तेजी से एक के बाद एक बाउंसर देती जा रही है वफाक, यानी कि पीटीआई, ऐसा तो नहीं है कि इस वजह से ज्यादा एक्टिव हो गई है पीपल्स पार्टी अब? नहीं, मेरे ख्याल में आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ये हर साल में बारिश में हो या रमजान के महीने हो, इसी तरीके से हमारी कमेटी बनती है हर जिला वाइज, लेकिन सिर्फ चेंजिंग हो जाता है। जैसा पिछले बार रमजान में वकार मिजी साहब जो वो जिला ईस्ट में था और सईद गनी साहब जो था वो जिला साउथ में था, इस तरीके से हर साल में ये होता है। तो फिर ये टीम पिछले साल, लाला रहीम साहब, पिछले साल ये टीम गैर फाल क्यों नजर आई थी? पिछले साल तो आपको याद होगा, आप भी गालिबन किसी न किसी इलाके में होंगे, घुटनों से ऊपर तक तो पानी होगा। देखो, मैं आज आपको एक बता दूं, पिछले साल जो आप जिन दिनों की बात कर रहे हो उस वक्त में कराची मेयर बैठा हुआ था, जिला ईस्ट में जो है चेयरमैन मोहित अनवर साहब था, जिला सेंट्रल में भी जो है चेयरमैन एमकेएम का था, कुरंगी में भी एमकेएम का था, हमारा पास जो है जिला मलीर का जान मोहम्मद बलोच साहब था और जिला काउंसिल का हमारा पास सलमान अब्दुल्ला मुराद था, तो इस तरीके से जहाँ जहाँ था वहां पर पीपल्स पार्टी की बकायदा
जहां पर काम नहीं हुआ, हम तो कब से कह रहे हैं, हमने कहा कराची की जो हमारी दोस्त है इसने इस शेर को तबाही की सेवा कुछ नहीं दिया, करप्शन की सेवा उसने कुछ नहीं किया, कराची को लाशों की सेवा कुछ नहीं दिया, उनने तो हर वक्त सियासत इन्हीं चीजों पे। अच्छा, आपने क्या दिया कराची को, सिंध हुकूमत यानी पीपल्स पार्टी ने क्या दिया 13 साल का? अगर आप ये बातें करें तो बड़ी पुरानी बातें हैं, बोरीबंद और लाशों की जो बात करें तो उस चले मैं फिर थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर जाता हूँ आपको। पीपल्स पार्टी ने क्या दिया? बसों की बात करते हैं तो ग्रीन लाइन हम देखते हैं, वफाक दे रही है, सर्कुलर वफाक दे रही है, पानी के मंसूबे वफाक दे रही है, आप क्या दे रहे हैं? बात यह है जितनी मनसूबों पे आप वफाक वफाक की काम कर रहे हैं, मेरे तो आज आपके वफाक की नुमाइंदा मैं आपको महसूस कर रहा हूँ। जनाब, इस इमरान खान ने इस मुल्क को, इस आवाम को क्या दिया है? आज आवाम खुदकशी की पंदे पे खड़ा हुआ है, आज उस डॉलर की क्या पोजीशन है, आज उस पेट्रोल की क्या पोजीशन है, आज उस आटे की क्या पोजीशन है। आप ये बात तो बिल्कुल जो है आपके साथ नामुनासिब है। आप जरा देखो आपकी मुल्की माशियत कहाँ पे खड़े हुए हैं। अच्छा, मैं आपसे आपकी हुकूमत का जरा से एक बड़ा प्रिसाइजली सवाल कर रहा हूँ, मुझे बड़ा उसका जामे आंसर चाहिए जवाब के। पीपल्स पार्टी ने कराची को क्या दिया, एक जुमले के अंदर अगर बताना चाहें, दो तीन लाइनें चलें बढ़ा दें, अगर ज्यादा चीजें दे दी हैं पीपल्स पार्टी ने। मैं आपको ये मैं बता रहा हूँ, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो बात कर रहे हैं, क्या स्टील टोन किसी और ने दिया, क्या बासी हॉस्पिटल किसी और ने दिया, क्या जिना हॉस्पिटल जो किसी और ने दिया, क्या शारा फैसल की रोडी किसी और ने दिया, क्या आपको तारीख रोड याद कराची को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेवा किसी और ने बनाई नहीं आज तक? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप मेरे को किसी और जमात का एक कारनामा तो बताए तो सही है, ये जितनी इस वक्त में मंसूबे है। लेकिन मैं एक दफा फिर कहता हूँ, ये मेरे मुल्क में बदनसीबी है, जितनी मंसूबे और जितनी सिस्टम है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मिली भगत और एक साजिश की थी तो उसको दूर करता है। जब पाकिस्तान एक दफा फिर कोयले और बारूद की ढेर बन जाता है, जब आवाज आता है मीडिया पे दारुलहुकूमत इस्लामाबाद में अब तालिबान की जो है कब्जा हो रहा है, स्वात में तालिबान की कब्जा है, वजीरिस्तान में तालिबान की कब्जा है, फिर आज ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ में ये सिस्टम जो बड़ी मुश्किल से फिर ये लोग दूर हो जाते हैं। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग लड़ते और शहीद होते और फैसले करवाते, जब इसको ठीक करते हैं तो फिर एक दफा जो है सिलेक्टेड को इस मुल्क पे नाजिल करते ये हमारे कुछ लोग। मैं माजरत के साथ, जो जियालक की रूह है वो अभी भी इस मुल्क के अंदर बहुत सारी जगहों में जो है घूम है, इसकी वजह से हमारी मुल्क को नुकसान हम और आपको उठाना पड़ेगा और मजीद नुकसान होगा। आज फिर इन लोगों ने, मैं एक बात बताना, इस विभाग जो तालिबान की बात करता है, आज मैं कहता हूँ ये जो अफगानिस्तान में जो युद्ध हुआ है इसमें इमरान खान की किरदार है, और आज वो मैं कराची की बात करना चाह रहा हूँ। आप अफगानिस्तान लेके कराची के अंदर क्या करने जा रहे हैं मुर्तजा वहाब? अब तो हुकूमत आपकी है, फंड्स आपके पास हैं, इख्तियारात आपके पास हैं, मुर्तजा वहाब आपके चहेते तर्जमान से हुकूमत है, मुशीर कानून है, सब चीजें तो अब आपके फेवर में है। अब कराची की हालत क्या 1 से 1.5 साल के अंदर बदल देंगे? आप जरा एडीपी बुक उठा के जरा पढ़ लो तो सही, एडीपी बुक जरा पढ़ लो, हमने कराची को क्या से क्या नहीं दिया है, जिसके काम है जो स्कीमें अगले महीने में स्टार्ट होने वाला है, पूरा कराची आपको एक बेहतरीन नजर आएगा। लेकिन मैं आपको ये चैलेंज कर रहा हूँ, एडीपी की बुक चाहिए तो मैं आपको भिजवा दूँ, और वो सही माने में जो सिंध गवर्नमेंट में उसे कराची के लिए चीजें डाले वो जरूर आवाम को बता दो, ये आपकी मेहरबानी होगा हम पे और कराची की आवाम पे। चले, बहुत शुक्रिया। लाला रहीम हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे थे। नाज़रीन, देखना यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है मुर्तज़ा वहाब साहब की बात मैं कर रहा हूँ, जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी हैं इस वक्त, और काम करते नजर आए हैं, बेहतरी नजर आई है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कयास आराइयाँ हो सकती हैं, इस पर चेमगोइयाँ हो सकती हैं कि इतनी बारिशें हुई नहीं जो एक्सपेक्टेशंस थी, क्या उस हिसाब से तैयारी की गई थी या नहीं की गई थी। लेकिन एक सवाल यहाँ पर मैं छोड़कर जाऊँगा, फिर वक्फे की तरफ बढ़ूंगा, ये जो चहीते लोगों को नवाजने का जो अभी भी एक रिवाज कायम है ना, ये ख़त्म होना चाहिए, थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि किसने काम किया किसने नहीं किया, उनको डी सीट करना चाहिए। वक्फा, उसके बाद मजीद स्टोरीज़।